चैप्टर नंबर टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल टू द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन एंड डिवाइड इंटू टू ग्रुप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज बाय कैरोलस लिनियस। अकॉर्डिंग टू द कैरोलस लिनियस देर आर डिफरेंट क्राइटेरिया प्लांटी एंड एनिमलिया। क्लियर, वी विल डिस्कस अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। फर्स्ट हियर वी विल डिस्कस अबाउट द क्राइटेरिया सेल वॉल। इन प्लांट प्रेजेंट, इन एनिमल एब्सेंट, इन लोकोमोशन प्लांट एब्सेंट, एनिमल प्रेजेंट। न्यूट्रिशन, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, दिस इज कॉल्ड हिटेरोट्रॉपिक और होलोजोइक, होलोजोइक बोलेंगे। क्लियर, हम रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस, स्लो एंड फास्ट। इफ एनी सेंसेशन अकर्स देन एनिमल्स गिव द फास्ट एक्शन थ्रू द सेंसरी नर्व्स, है ना। इट इज ए वन टाइप ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल एंड ऑस्मोटिक रेगुलेटरी सिस्टम, कॉन्ट्रेक्टाइल एंड ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम। एब्सेंट एंड प्रेजेंट, हियर वी कैन डिस्कस अबाउट द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर, विच टाइप ऑफ क्राइटेरिया वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। यू कैन सी हियर क्राइटेरिया सेल वॉल, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस एंड कॉन्ट्रेक्टाइल एंड ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम। सो हियर we will discuss about the drawback of two kingdom classification. First, there was no criteria to distinguish between first यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, सेकेंड क्राइटेरिया प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, एंड थर्ड क्राइटेरिया फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट और नॉट। That's why we develop the different classification system. As per time pass, the different classification was there first. Then three kingdom classification given by Ernest Haeckel. Separated unicellular organism into a kingdom, unicellular nucleated means eukaryotic organisms like protista. थ्री किंगडम के अंदर हमने क्या देखा बच्चे लोग, हमारे पास प्लांट और एनिमल थे, हमने protista अलग कर दिया, क्यों, वो unicellular तो थे but हमने उसको eukaryotic देखा, बट हमको पता चला दिस इज कॉल्ड प्रोटिस्टा, दिस इज नॉट इन प्लांट एंड नॉट इन एनिमल, सो वी कैन डिफ्रेंशिएटेड इनटू थर्ड किंगडम, दिस इज कॉल्ड प्रोटिस्टा। नेक्स्ट फोर किंगडम, देन फाइव किंगडम, फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट प्रपोज बाय आर एच विटेकर दैट एम्फेसाइज ऑन द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड separated fungi,
फ्रॉम दी प्लांट एंड एनिमल। फंगाई को भी अलग किया गया, बाद में पता चला फंगाई क्या कर रही है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। तो आर एच विटकर ने भी अलग अलग क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन दी है। मैं आपको सिखाने वाला नहीं हूँ, बट ऑलरेडी हमने सीख लिया है। आपको याद रखना है, सेल टाइप लिया था, सेल वॉल लिया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिया था, एंड एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? यहां तक मैंने चलाया था, मैंने रिवीजन करा दिया। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब हम बात करेंगे, धीरे धीरे आगे जाएंगे आज के नए टॉपिक से। क्लियर? अमीबा, पैरामीशियम, क्लोरेला एंड क्लेमिडोमोनास। आर कंसाइडर इन प्रोटिस्टा ड्यू टू देयर यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर। क्लोरेला इज एल्गी, क्लेमिडोमोनास इज ऑल्सो एल्गी, बट उसको हमने किसके अंदर डाला? प्रोटिस्टा के अंदर डाला। बाद में पता चला कि भी क्लेमिडोमोनास एंड क्लोरेला बोथ आर एल्गी है, बट उसको हमने किसके अंदर डाल दिया था? प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया था। वाई स्पाइरोगारा भी एल्गी थी, पर वो फिलामेंटस एल्गी थी, वो यूनिसेल्यूलर नहीं थी, इसीलिए हमने उसको डाल दिया मल्टी सेल्यूलर प्लांटे के अंदर। याद रखना है, दिस इज योर मोस्ट टाइम पे नीट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्लियर? अमीबा, पैरामीशियम, क्लोरेला एंड क्लाइमिडोमोनास। क्लियर? किसके अंदर डाला गया था? प्रोटिस्टा के अंदर डाला गया था। क्लियर? बट स्पाइरोगैरा के अंदर हमने क्या किया था? प्लांट के अंदर डाला गया था। क्लियर? ये आपको करके आना है। वेट फॉर 1 to 2 मिनट्स। वेरी गुड। अमीबा, पैरामीशियम, क्लोरेला एंड क्लेमिडोमोनास। एक्चुअली क्लोरेला एंड क्लेमिडोमोनास क्या थी? अल्गी थी, बट उसकी यूनिसेलुलरिटी की वजह से हमने कहाँ पर डाल दिया? प्रोटिस्टा की वजह से। और स्पाइरोगायरा भी अल्गी है, बट उसको हमने कहाँ पर डाल दिया था? प्लांट के अंदर। क्लियर? बाद में पता चला। देन अकॉर्डिंग टू सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, अब आगे आए, स्टोरी आगे बढ़ती गई। अकॉर्डिंग टू सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, गिवन बाय कार्ल वूज, व्हाट इज रॉन्ग हियर? यू कैन सी हियर, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कार्ल वूज। किंगडम मोनेरा फर्दर, फर्स्ट हमने फाइव किंगडम कौन कौन से लिए थे बताओ? मोनेरा,
प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, फंगी, एनिमेलिया। प्लांटे, एनिमेलिया। फंगी, प्लांटिए एंड एनिमली। देन कार्वुस अगेन फर्दर सब डिवाइड इनटू किंगडम मोनेरा। इनटू किंगडम फर्स्ट इज कॉल्ड यू बैक्टेरिया, किंगडम मोनेरा कंटेनिंग बैक्टेरिया। बट विच टाइप ऑफ बैक्टेरिया, देर आर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, दे मे बी ए सर्वाइव। द ट्रू बैक्टेरिया इज कॉल्ड यू बैक्टेरिया, दिस इज कॉल्ड यू बैक्टेरिया। वट डू यू मीन बाई यू? यू का मीनिंग होता है ट्रू बैक्टेरिया। एंड अनदर बैक्टेरिया, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टेरिया, दिस इज कॉल्ड आर्की बैक्टेरिया। स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टेरिया, दिस इज नॉट ए ट्रू टाइप ऑफ बैक्टेरिया, दिस इज अ स्पेशल कंडीशन। क्लियर? यूनिक बैक्टेरिया हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कितने क्लासिफिकेशन हो गए? छह किंगडम हो गए, यू बैक्टेरिया, आर्की बैक्टेरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमल। ये तो कार्ल हूस ने मोनेरा को सब डिवाइड कर दिया, क्योंकि कार्ल हूस को पता था कि दुनिया के अंदर बैक्टेरिया थे, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखने को मिले, इसीलिए उसकी सेल वॉल की कंपोजिशन के हिसाब से अगेन कार्ल हूस ने फाइव किंगडम को भी सेपरेट कर दिया, उसका नाम दे दिया सिक्स किंगडम, और मोनेरा को ही सब डिवाइड किया था, बाकी कोई किंगडम को डिवाइड नहीं किया था, एज इट इज रखा। समझ में आ गया? ओके, तो किंगडम मोनेरा को क्यों सब डिवाइड किया गया? तो देखो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी डेफिनेटली। तो मैंने बोला था दिस इज कॉल्ड यू बैक्टीरिया, एंड सेकंड बैक्टीरिया कौन सा था? आर्की बैक्टीरिया। दिस इज कॉल्ड यूनिक बैक्टीरिया, ये दुनिया से कोई यूनिक थे। तो यू बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल कंपोजिशन देखा गया, तो उसकी जो सेल वॉल बनी थी वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी थी, पेप्टिडोग्लाइकेन, और उसके अंदर म्यूरेइन नाम का मटेरियल था। म्यूरेइन याद रखना है, म्यूरेइन। और इसके अंदर म्यूरेइन नहीं था, बट उसके अंदर जो फॉल्स म्यूरेइन था, यानी कि म्यूरेइन जैसा स्ट्रक्चर था बट वो म्यूरेइन नहीं था, स्यूडो म्यूरेइन याद रखना है, हम सीखेंगे। उसके अंदर लिपिड कंपोजिशन दिखा गया, तो उसके अंदर लिपिड कंपोजिशन इतना सारा नहीं था। क्लियर? यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रांच थे, ब्रांच लिपिड थे, बहुत सारे लिपिड की चेन बनी हुई थी, इसीलिए वो स्पेशल कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर पाते थे। क्लियर? तो मोनेरा इसीलिए डिवाइड किया गया, क्योंकि जो डिफरेंट बैक्टीरिया थे उनकी वजह से ही हमने क्या करा, सिक्स किंगडम बना दिया, अदरवाइज हमने फाइव किंगडम ही रखा होता। क्लियर? तो कार्ल वॉज इंट्रोड्यूस द हायर टैक्सोन देन द किंगडम। कार्ल हूस ने भी किंगडम से भी आगे हायर टैक्सोन दिया। कौन सा टैक्सोन दिया था बताओ? हायर किंगडम, हायर देन द टैक्सोन, हायर टैक्सोन कौन से थे? मैंने बोला था देखो पहले क्या था, के पी सी ओ एफ जी एस, के पी सी ओ एफ जी एस, स्पीसीज कंबाइन होके क्या बनती है बच्चे लोग? स्पीसीज कंबाइन होके जीनस कंबाइन होके फैमिली, तो कार्ल हूस ने क्या किया, किंगडम जो फाइव किंगडम था, विटकर था, विटकर ने बोला था हाईएस्ट हमारा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, हाई टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर है, वो हमारा क्या है, किंगडम है। बट कार्ल हूस ने उसको गलत कर दिया और किंगडम से भी आगे उसने दे दिया ऑर्डर, सॉरी किंगडम से भी आगे दे दिया डोमेन। डोमेन इज द हाइएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। तो एग्जाम के अंदर सपोज ऑप्शन और डोमेन लिखा होगा है, तो आपको वही टिक मार्क करना है। क्लियर? तो कार्ल वॉज इंट्रोड्यूस्ड हायर टैक्सोन देन द किंगडम, दिस इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन क्या होता है उसने बता दिया, ऐसे तीन डोमेन बता दिए, तीन डोमेन इज इक्वल टू सिक्स किंगडम, याद रखना थ्री डोमेन इज इक्वल टू सिक्स किंगडम। एक बताया यू बैक्टेरिया, सेकंड बताया आर्की बैक्टेरिया। चलो अब ये दो तो डिवाइड हो गए, अब बाकी कितने बचे? चार बचे। कौन कौन से बचे? प्लांट, एनिमल, फंगाई एंड प्रोटिस्टा। ये सब ने हमको डाल दिया, हमने बोला यूकेरिया। ये सब यूकेरियोटिक होते कि नहीं? यूकेरियोटा। तो ये बाकी सबके अंदर हमने डाल दिया, यानी कि तीन तीन बंगड़ी बन गई। यस और नो? ये तीन बंगड़ी को बोलेंगे डोमेन, और थ्री बंगड़ी इज इक्वल टू सिक्स किंगडम। तो उसने उसने ऐसा, हाँ देखो
उसने बटरफ्लाई बनाया था, आर एच विटकर ने ऐसा बटरफ्लाई बनाया था अच्छा फाइव किंगडम वाला, और उसने क्या बनाया, बंगड़ी बना दिया। चलो क्या बना दिया फाइव किंगडम को, फ्लावर जैसा। फर्स्ट हमने बनाया मोनेरा, यहाँ पर प्रोटेस्टा देखो उर्दू भाषा क्लियर। अब काल हुजने क्या बना दिया, काल हुजने क्या बना दिया, उसको रिंग रिंग बना दिया, रिंग रिंग बना दिया, यानी कि ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी तो हम किंगडम बोलेंगे, बट आपको रिंग देखने को मिलेंगे उसको हमने क्या बोला, डोमेन बोला। डोमेन के अंदर डोमेन उसने बोला यू कैरिया, यू कैरियोटा, यूकेरिया आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ओके। और यू कैरियोटा के अंदर क्या आ गया, प्लांट एनिमल फंगल एंड एनिमल ओके एंड फंगी। ओके। अब ध्यान से देखना, वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट किंगडम। अब आपको छः छः किंगडम की बात करनी है बच्चे लोग, यहाँ पे डिस्कशन करना है, बहुत ध्यान से देखना। वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट किंगडम, वो फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा, ध्यान से देखना। किंगडम मोनेरा आता है तो माइंड के अंदर क्वेश्चन आना चाहिए कि सर बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, सर बात कर रहे हैं बैक्टीरिया बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, और प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। चलो अब रिप्रेजेंट दे ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया की बात करेंगे, क्लियर, ध्यान से देखना। पहले मैं आपको बताता हूँ, इट रिप्रेजेंटेड ए ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ये किंगडम मोनेरा होगा, उसने डिवाइड किया होगा, आर एच विटकर और कार्ल हुज ने बताया, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो उसने डिवाइड किया। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगी कि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेकंड, उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, याद रखना है नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यानी कि उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्गी बॉडी नहीं होगी, क्लियर। तीसरा, उसके अंदर जो रिबोसोम होगा वो 70S टाइप का रिबोसोम होगा, याद रखना बच्चे लोग, क्यों होता है हम बाद में सीखेंगे, पर अभी इतना याद रखो 70S रिबोसोम उसके अंदर होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बच्चे लोग 80S और 55S टाइप का हो सकता है, बट उसकी बॉडी के अंदर कौन से टाइप का रिबोसोम होता है, 70S टाइप का रिबोसोम। और उसके अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, भगवान ने दिया है भी तुझे सांस लेना है, बैक्टीरिया को बोला है तुझे सांस लेनी है, तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर उसके अंदर मेसोजोम पाया गया है, याद रखना है मेसोजोम इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। और उसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अलग अलग हो सकती है, हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग अलग हो सकता है, क्लियर। उसके अंदर डबल सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बट वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, क्लियर। और उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, उसका जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, ऐसा प्रोटीन का नाम है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरिया। हमने सीखा था बैक्टीरिया के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको मैंने बोल दिया सेल एनवेलोप। अब उसके अंदर जो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन थी उसके अंदर ऐसा वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेमिले लाइक भी स्ट्रक्चर हो सकता है और ट्यूबुलर लाइक भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसे स्ट्रक्चर को मैंने बोल दिया मेसोजोम। ये मेसोजोम क्या करता है, सांस लेने के लिए हेल्पफुल करता है, और ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर मैंने बोला था पीली होता है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है आपको फिम्ब्री, और उसके ऊपर और यहाँ से सेल मेम्ब्रेन के साथ उसके साथ अटैच होती है फ्लेजिला, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। हम साइटोप्लाज्म के अंदर मीटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ नहीं करेंगे, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं ड्रॉ करेंगे, हम न्यूक्लियस नहीं ड्रॉ करेंगे, और उसका खुला डीएनए ड्रॉ करने वाले हैं, दिस खुला डीएनए इज कॉल्ड नेकेड डीएनए। और उसके अंदर भगवान ने एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए बनाया, उसको मैंने दे दिया प्लाज्मिड,
प्लाज्मा। और उसके अंदर मैंने एक नाम बताया था, उसके अंदर 70S टाइप का रिबोसोम होता है, याद रखना है वो। आप धीरे धीरे आगे चैप्टर जैसे जाएगा, सब चैप्टर चलेंगे तब आपको पता चलेगा। हाँ सर, अब अभी याद रखो 70S क्यों दिया गया, सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही 70S टाइप का रिबोसोम होता है। बस अभी आपको इतना ही याद रखना है चैप्टर के अंदर, बहुत सारा भी नहीं याद रखना है। जैसे जैसे आप बैक्टीरिया के बारे में और बैक्टीरिया आते जाएंगे और आपको और समझ आती जाएगी, क्लियर। अभी इतना ही याद रखो, नहीं तो अदरवाइज हम आउट ऑफ टॉपिक चले जाएंगे। अब साइंटिस्ट ने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर, ये सबको पता होना चाहिए बच्चे लोग, इतना तो बैक्टीरिया के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर। यहाँ पे नहीं पता है तो मैं लिख सकता हूं कि दिस इज कॉल्ड फिम्ब्री और दिस इज कॉल्ड पीली, क्लियर। ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब साइंटिस्ट ने देखा, उसके रेस्पिरेशन के हिसाब से बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन दिया, रेस्पिरेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया, कौन कौन से। फर्स्ट दिया एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और सेकंड दिया एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। अब साइंटिस्ट ने देखा अगर ऑक्सीजन के अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है तो हम उसको एरोबिक बैक्टीरिया बोलेंगे, अगर CO2 के अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है तो दोस बैक्टीरिया विच आर कॉल्ड एज एनएरोबिक बैक्टीरिया। देन एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर हमने दो टाइप के बैक्टीरिया पार्ट दिए, एक पार्ट दिया ऑब्लिगेट। देखो बच्चे लोग, ऑब्लिगेट का मीनिंग आपको याद रखना है स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्टली नेचर होता उसका, क्लियर। मैं आपके पास स्ट्रिक्टली बिहेव करूंगा तो आप मुझे क्या बोलेंगे, ये सर ऑब्लिगेट है, समझ में आया, स्ट्रिक्ट। और दूसरा टाइप का बैक्टीरिया है उसको मैं बोलूंगा फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव उसका मीनिंग होता है टेम्पररी। मैं आपके लिए, आपके ऊपर गुस्से होऊंगा पर कैसा, टेम्पररी, थोड़े टाइम पर, तो टेम्पररी ऑक्सीजन लेगा, दिस कॉल्ड फैकल्टेटिव। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वन इज कॉल्ड ऑब्लिगेटरी और सेकंड इज कॉल्ड फैकल्टेटिव। एनारोबिक के अंदर भी उसने दे दिया ऑब्लिगेट एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक, चला गए। ऑब्लिगेट का मीनिंग आपको माइंड के समझ में आ गया होगा, स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी ओनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो ही वो कर सकेगा, अदरवाइज वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकेगा। इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो चलेगा, रेस्पायर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट थोड़ा तो ऑक्सीजन चाहिए टेम्पररी, उसको जीने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा ऑक्सीजन चाहिए, रेस्पायर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट कैन रेस्पायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू, ऐसा लिख सकता हूं, Yes, sir. उसको टेम्पररी थोड़ा ऑक्सीजन चाहिए, अदरवाइज वो चला लेगा, क्लियर। उसको पता है कि मैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया हूं पर मुझे थोड़ा तो ऑक्सीजन चाहिए, मैं एक रोटी से काम चला लूंगा, मुझे जरूरी नहीं कि 5 रोटी चाहिए। और ऑब्लिगेट को पता मुझे 5 रोटी चाहिए तो ही मैं खाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं खाऊंगा, उसको पहले से ही 5 चाहिए। ऐसे टाइप के बैक्टीरिया को मैं ऑब्लिगेट बोलूंगा और फैकल्टेटिव को टेम्पररी बोलूंगा। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ ऑब्लिगेटिव एनर्जी क्या होगा, उसको कंपल्सरी क्या चाहिए, CO2 चाहिए, अगर उसको ऑक्सीजन मिल गया तो इट कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और फैकल्टेटिव, उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो वो जिंदा रहेंगे, बट उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए, बट वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जिंदा रह सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, पर ये तो नहीं रह सकते फॉर टेम्पररीली, क्लियर, वेरी गुड। चलो हम धीरे धीरे बात करेंगे। आज एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर मैंने दो टाइप के बैक्टीरिया बताए, ऑब्लिगेटरी एरोबिक बैक्टीरिया एंड फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। ऑब्लिगेटरी का मीनिंग होता है स्ट्रिक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नॉट स्ट्रिक्टली यानी कि टेम्पररी। ऑब्लिगेटरी बैक्टीरिया के अंदर आपको एग्जाम्पल लिखना है बेसिलस सबटाइलिस नाम के बैक्टीरिया है, याद रखना है तो कोई बात नहीं है, बुक के अंदर दिया ही नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा चला रहा हूं, क्लियर, दिस इज योर नीट बेसिलस सबटाइलिस। अगर जहां पर भी ऑब्लिगेटरी वर्ड आता है तो माइंड के अंदर याद रखना कि सर ने स्ट्रिक्टली बोला है, क्लियर। टेम्पररी के अंदर मैंने बताया आपको एग्जाम्पल क्लोरोबियम नाम के बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, उसने रखा होगा और साइंटिस्ट ने देखा होगा एनारोबिक बैक्टीरिया, ये नाम ही याद रखना है।
एनरोबिक बैक्टीरिया के अंदर भी दो टाइप के बैक्टीरिया, फर्स्ट होता है ऑब्लिगेटरी बैक्टीरिया और सेकंड होता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ऑब्लिगेटरी एनरोबिक, ऑब्लिगेटरी स्ट्रिक्टली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेम्पररीली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट इट कैन रेस्पायर ओनली इन ऑक्सीजन टू। चलो ऑब्लिगेटरी के अंदर कौन से आए, यहाँ पे याद रखना है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिनियम, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम, ये बैक्टीरिया है बच्चे लोग, नेट के ऊपर सर्च मार लेना, घर पे जाके देखने को मिलेंगे आपको, और दिस इज कॉल्ड स्यूडोमोनास। तो मैं आपको याद रखने की स्टाइल बता देता हूं, पहले आपको याद रखना है एरोबिक और सेकंड आपको याद रखना है एनरोबिक, एनरोबिक एरोबिक एनरोबिक, ऑब्लिगेटरी फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेटरी फैकल्टेटिव, याद रह गया बीसीसीपी, बेसिलस सबटाइलिस, क्लोरोबियम, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम एंड स्यूडोमोनास, याद रह गया बीसीसीपी। चलो फिर से मैं आपको यहाँ पे रिविजन करा देता हूँ। चलो हमने दो टाइप के बैक्टीरिया सीखे, कौन कौन से, फर्स्ट सीखे एरोबिक, यहाँ पे दो टाइप के बैक्टीरिया सीखे, ऑब्लिगेटरी फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेटरी फैकल्टेटिव, ओके। चलो यहाँ पे सीखा बीसीसीपी, चलो याद रख लो बेसिलस सबटाइलिस, क्लोरोबियम, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम, बोटुलिनियम एंड स्यूडोमोनास, दिस इज हाउ टू क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द रेस्पिरेशन मैकेनिज्म। अब हमने सीखा था क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया सीख लिया, फर्स्ट सीखा रेस्पिरेशन के हिसाब से, सेकंड मैंने सिखाया आपको शेप ऑफ बैक्टीरिया सिखाया था, शेप ऑफ बैक्टीरिया। फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे, क्लियर। फर्स्ट मैं बताऊंगा राउंड होगा तो मैं कोकी बोलूंगा और कोकस बोलूंगा, रोड शेप होगा तो मैं बेसिलस बोलूंगा और बेसिली बोलूंगा, रोड शेप और सिलेंड्रिकल कोई भी एक नाम से बैक्टीरिया को जाने जाते हैं हम, अगर वो कॉमा शेप हुआ तो मैं बोलूंगा विब्रियो और विब्रिये, और स्पाइरल शेप हुआ तो मैं उसको बोलूंगा स्पाइरिलियम। तो हम एग्जांपल याद कर लेते हैं, क्लियर। अगर कोकस नाम के बैक्टीरिया है तो स्ट्रिप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया आपको याद रखना है, उसका शेप होगा जो न्यूमोनिया करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसका बेस ऑलवेज शेप कैसा होगा, राउंड होगा, क्लियर। बेसिलस होगा तो मैं आपको बताऊंगा लैक्टोबेसिलस, वो कर्ड के अंदर देखने को मिला जाता है लैक्टोबेसिलस, आप दही खाते हो, क्लियर, तो दही के अंदर अपने को देखने को मिलेगा रोड से बैक्टीरिया। इवन साल्मोनेला टाइफी, टाइफोड के अंदर भी, टाइफोड वाले बैक्टीरिया के अंदर भी रोड से देखने को मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं है उसके अंदर बेसिली वर्ड है, क्लियर, बायोलॉजी एक्सेप्शनल साइंस है। विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा के अंदर आपको पता है कॉलेरा करता है तो उसके अंदर विब्रियो नाम आया तो उसका शेप कैसा होगा, कोमा शेप होगा। और स्पाइरिलियम के अंदर पता है आपको क्या है, स्पाइरोचिट नाम के बैक्टीरिया, क्लियर, ओके। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, तीसरा क्लासिफिकेशन हमने बताया, फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन बताया अकॉर्डिंग टू द रेस्पिरेशन, फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी एरोबिक एनएरोबिक, सेकंड मैंने बताया अकॉर्डिंग टू द शेप, एंड थर्ड में बताऊंगा न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन वी कैन डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट मैंने बताया था ऑटोट्रॉपिक, एंड दूसरा बताया था हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा, क्लियर, फोटो ऑटोट्रॉपिक, ये सब कुछ एक्स्ट्रा है आपको याद रखना है, फोटो ऑटोट्रॉपिक यानी कि वो अपना खाना खुद से बनाएगा, कैसे, थ्रू दी सनलाइट, यूज दी सोलर एनर्जी, यूज दी सोलर एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड थ्रू देयर पिगमेंट लाइक बैक्टीरियो क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होगा और क्लोरोफिल की वजह से वो सनलाइट में से एब्जॉर्ब करेगा, वो सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनाएगा, है ना, कितनी प्यारी सी मैकेनिज्म भगवान ने बनाई है कि बैक्टीरिया के अंदर भगवान ने बनाया क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनाया क्लोरोफिल, जैसे प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ऐसे बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल होगा तो ही वो सोलर लाइट एब्जॉर्ब कर पाएगा, तब तक वो नहीं कर पाएगा। तो हमने दो टाइप के बैक्टीरिया पढ़ दिए, फोटो ऑटोट्रॉपिक के अंदर एक बना है फोटोलिथोट्रॉपिक, फोटोलिथोट्रॉपिक, लिथो का मीनिंग होता है सॉइल, सॉइल के ऊपर बैक्टीरिया रहते होंगे, और दूसरा बताया फोटो
ऑर्गेन और ट्रॉपिक, ध्यान से देखना। फोटोलिथोट्रॉपिक के अंदर दो टाइप के बैक्टीरिया, एक बना है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उसका कलर कौन सा होगा, पर्पल कलर का, और दूसरा होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, यानी कि वो ग्रीन कलर का होगा। यहां पे भी पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, यानी कि उसके अंदर सल्फर नहीं होगा, यहां पे ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, यहां पे भी सल्फर नहीं होगा। क्लियर, सल्फर इज ए एलिमेंट SO4-2, याद रखना है, समझ में आ गया। बहुत सारे आपको इतना सारा भी नहीं याद रखना है, धीरे धीरे आपको याद रखना है। तो आपको पता चल गया कि फोटो ऑटोट्रॉपिक भी बैक्टीरिया होते हैं, फोटो लिथोट्रॉपिक भी बैक्टीरिया होते हैं। तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि क्रोमेटियम नाम के बैक्टीरिया, उसके अंदर पर्पल कलर होता है, उसके अंदर सल्फर देखने को मिला। सेकंड होता है क्लोरोबियम, क्लोरोबियम के अंदर भी ग्रीन कलर होता है बैक्टीरिया और उसके अंदर सल्फर होता है। ये होता है रोडोस्पाइरिलियम। और फोर्थ होता है क्लोरोनेमा नाम के बैक्टीरिया है। क्लियर, धीरे धीरे याद रह जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम यू बैक्टीरिया सीखेंगे तब आपको याद रह जाएगा। ऑटोट्रॉपिक यानी कि सेल्फ फूड मेकिंग, पर वो सनलाइट से, वो सनलाइट से भी बना सकता है और केमिकल से बना सकता है। तो ये वाले जो बैक्टीरिया हमने सीखे वो सनलाइट से खाना बनाते हैं। अब सेकंड वाले ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सीखेंगे, वो केमिकल से खाना बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉपिक। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक केमिकल से बनाता है और एक सनलाइट से बनाता है। तो ऑब्टेन एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज फेरस आयन, सच एज मिनरल, सच एज नाइट्रेट। सॉइल के अंदर बहुत सारे आयन होंगे, नाइट्रेट होंगे, फॉस्फेट होंगे, सल्फेट होंगे, क्लियर। ये सब में से वो क्या करेगा, ये सब केमिकल है बच्चे लोग, केमिकल को मैं बोलूंगा मिनरल्स, इनऑर्गेनिक। जब मिनरल्स की बात आती है तो माइंड के अंदर याद रखना है, सर बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की, क्लियर। तो आपको याद रखना है इनऑर्गेनिक में से वो अपना खाना खुद बनाता है। तो चार टाइप के बैक्टीरिया यहाँ पे मैं बताता हूँ। फर्स्ट होता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो नाम पर से नाम पड़ा है हाइड्रोजेनोमोनास। सेकंड बैक्टीरिया है सल्फर बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड थियोबैसिलस एंड बैगिएटोआ। बच्चे लोग जब थियो की बात आता है, थायो की बात आती है, तो केमिस्ट्री में याद रखना, जहां पर भी थायो वर्ड लिखा होगा तो सर सल्फर की बात करें, ट्वेल्थ में आप याद रखना, क्लियर। ट्वेल्थ के अंदर थायो वर्ड बहुत आने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरिया के अंदर सल्फर ग्रुप होगा, क्लियर। थर्ड वन इज कॉल्ड आयरन बैक्टीरिया और आयन बैक्टीरिया, क्लियर। तो उसके अंदर कौन सा आयन होगा, Fe, तो उसको मैं बोलूंगा Fe+2, Fe+3, फेरस फेरिक आप बोल रहे हो, दिस कॉल्ड फेरोबेसिलस। फेरोबेसिलस नाम के बैक्टीरिया पाए गए, वो थोड़े ब्राउन रेडिश कलर के होंगे, है ना, फेरिक कलर ब्राउन रेड कलर देता है, इसलिए हमारा हीमोग्लोबिन और हमारा ब्लड रेड कलर है। और फोर्थ बैक्टीरिया है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन को डिसोसिएट कर रहा है, नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू द नाइट्राइट फॉर्म, नाइट्रेट फॉर्म, अमोनिया फॉर्म, ये सब कुछ नाइट्रोजन में से बनाएगा और हमको बना के प्रोटीन देगा, क्लियर। तो ऐसे बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोजोमोनास नाम के बैक्टीरिया। राइजोपस बोल सकते हैं, राइजोबियम बोल सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन बैक्टीरिया है, बट उसके अंदर भी कैटेगरी है, वो हम सीखेंगे आगे वाले चैप्टर के अंदर, कि भाई फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन बैक्टीरिया है, फ्री रूट के साथ एसोसिएटेड है कि नहीं, क्लियर। चलो, तो हमने सीख लिया आज कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक सीखा, सिर्फ आपको वर्ड सीखना था आज, बहुत सारे एग्जाम्पल भी नहीं सीखना था, एक सीखा था फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो आपको पता चल गया कि सर कीमो ऑटोट्रॉपिक, भले हमको एग्जाम्पल आपको नहीं याद रखना है बच्चे लोग, क्लियर, मैं बोलता हूँ आपको एग्जाम्पल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पर इतना सारा चलाने का रीजन मेरा यही है कि आपको वर्ड पता होना चाहिए। फोटो मीन्स आपको पता चल गया, ये सोलर लाइट से अपना खाना खुद बना लेगा,
और ये इनऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना खुद बनाएगा। इनऑर्गेनिक मैटर कौन सी हुई, केमिकल्स हुए, और उसको बोला मिनरल्स। वेरी गुड, बस बस मेरा वही कॉन्सेप्ट था कि आपको समझ में आ गया। एलिमेंट्स ऑर्गेनिक होते हैं, एलिमेंट इनऑर्गेनिक बच्चे, क्लियर सर? ऑर्गेनिक इसमें अपने एलिमेंट भी डाल सकते हैं ना? एलिमेंट नहीं बोल सकते, ऐसा हम क्या बोल सकते हैं पता है, उसको ग्रुप बोल सकते हैं कि जैसे फॉस्फेट ग्रुप, क्लियर? एलिमेंट यानी कि कार्बन हुआ तो वो ऑर्गेनिक में आ सकता है, क्लियर? हाइड्रोजन ऑर्गेनिक में आ सकता है, ऑक्सीजन ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन, फॉस्फरस एंड सल्फर, ये सब ऑर्गेनिक में आ सकते हैं। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सब किसके अंदर आएंगे? जैसे सोडियम, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, वेनेडियम, V3, V+4, V+5, क्लियर? जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, क्लियर? मैग्नीशियम, मैगनीज, ये सब किसके अंदर आ सकते हैं बच्चों लोग? इनऑर्गेनिक। वेरी गुड। बाकी जो मेन हम एलिमेंट बोलेंगे इसको हमने क्या बोला, एक इसको मिनरल्स बोल सकते हैं, क्लियर? और मिनरल ग्रुप कंबाइन होकर कंपाउंड बनाती है और केमिकल बनाती है, जिसको सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, समझ में आ गया? मैग्नीशियम क्लोराइड, वेरी गुड, ये सब कंपाउंड बना सकते हैं। Recording in progress. चलो सेकंड, फर्स्ट हमने सीख लिया ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और सेकंड में सिखाने वाला हूँ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक का मीनिंग होता है वो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, मींस मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर जो मेजर होता है, क्लियर? दिस कॉल मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। कौन अपना खाना खुद बनाता है? हम भी होटल के ऊपर डिपेंड है, हम भी जोमेटो के ऊपर डिपेंड है, हम भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमारे जैसे ही बैक्टीरिया होगा मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, क्लियर? इनकैपेबल ऑफ सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम देयर थ्री, देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, कहाँ कहाँ पर वर्ड यूज करना है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेकंड में बताऊंगा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक, और तीसरा होता है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या करता है बताओ, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे और डीकेइंग मैटर, डीकेइंग मैटर उसमें से अपना खाना क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यस और नो? ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे वो भी सोचेंगे बैक्टीरिया कि मैं किसी के साथ ज्वाइंट हो जाऊं तो अगर वो तो खाना बनाएगा तो थोड़ा मुझे तो दे सकेगा कि नहीं दे सकेगा, मैं भी मारूंगा पर वो बना के देंगे। तो सिम्बायोटिक, सिम का मीनिंग होता है अलोंग विथ, सिम का मीनिंग होता है अलोंग विथ, और बायोटिक का मीनिंग होता है ऑर्गेनिजम्स, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होगा वो एसोसिएटेड होगा, यानी कि एसोसिएटेड, एसोसिएटेड बैक्टीरिया। एग्जाम्पल राइजोबियम, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, रूट के साथ अटैच होता है, प्लांट के रूट के साथ अटैच होता है, क्योंकि प्लांट क्या करती है, प्लांट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है खाना, है ना? मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करती है रूट में से, तो उसको रूट मिल जाएगा, रूट में से नाइट्रोजन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो सिम्बा, वेरी गुड। तीसरा बैक्टीरिया है पैरासाइटिक, ये हमारे लिए क्या करेगा, किसी होस्ट के ऊपर आके डिसीज करेगा,
हम होस्ट बन गए, बैक्टीरिया ड्रॉन नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट। एग्जाम्पल आपने सीख लिया साल्मोनेला टाइफी क्या करता है, टाइफोड। ओके, क्विब्रियो कॉलेरा क्या करता है, कॉलेरा। तो आपको पता चल गया बच्चे लोग, न्यूमोकोकस। दुनिया के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया है और करोड़ों डिसीज है, आपको पता चल जाएंगे। तो आपने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन सीखा, फर्स्ट क्लासिफिकेशन सीखा अकॉर्डिंग टू द शेप, सेकंड क्लासिफिकेशन सीखा अकॉर्डिंग टू द रेस्पिरेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन सीखा अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ क्लासिफिकेशन मैंने सिखाया था अकॉर्डिंग टू द स्टेनिंग टेक्निक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो भी हम डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे आगे चैप्टर आएंगे। तो चार टाइप के दुनिया के अंदर क्लासिफिकेशन है, आप कोई भी क्लासिफिकेशन यूज करो, पर लेटेस्ट के अंदर जो पाया जाता है वो स्टेनिंग टेक्निक के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे बैक्टीरिया को। क्लियर? अब बैक्टीरिया क्या क्या कर सकता है ध्यान से देखना, बैक्टीरिया इज एवरीवेयर। आप जहां पर भी हाथ डालोगे वहां पर क्या देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। क्लियर? तो बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बैक्टीरिया अपने बैक्टीरिया बच्चा पैदा करेगा कि नहीं, यस और नो? तो बैक्टीरिया के अंदर मेथड होती है बाइनरी फिजन, यानी कि एक बैक्टीरिया में से क्या बन जाएंगे, फिजन होके टू डॉटर सेल बन जाएंगे। दूसरा, क्लियर, वो क्या करेगा बैक्टीरिया, उसको पता है अगर उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिली, उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, उसको पता है कि मुझे कोई खाता है, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन हुई उसके लिए, हार्मफुल हुई, तो फटाफट अपनी बॉडी के अंदर स्पोर बना देगा। स्पोर बना के ऐसे अपनी बॉडी मान के चलो, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारा क्या करा देगा, स्पोर बना देगा, और स्पोर होगा बहुत सारा फटेगा, एक साथ फटेगा। क्लियर? दिस इज कॉल्ड, हम बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन, और अंदर की साइड बनाता है, इसीलिए मैं बोला एंडोस्पोर। क्लियर? और उसको जैसे फेवरेबल कंडीशन मिली तब वो फटाफट टूट जाएगा और अपने बच्चा पैदा कर देगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट। ऐसे ही करता है, स्पोर फॉर्मेशन थ्रू ही निमोनिया होता है। सेक्सुअल मेथड के अंदर तीन टाइप की मेथड हुई, फर्स्ट हुई ट्रांसडक्शन मेथड, सेकंड मेथड हुई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एंड थर्ड मेथड हुई कॉन्जुगेशन मेथड। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेक्सुअल मेथड उसके अंदर होती है, हमारे जैसा थोड़ी हमको उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिया है। कौन कौन से दिया है, फर्स्ट मेथड ट्रांसडक्शन, सेकंड इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। क्लियर? ये ट्रांसफॉर्मेशन आप सीखोगे स्टैंडर्ड 12th के अंदर के कैसे करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, समझ में आ गया? दिस कॉल्ड ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मेंट हो जाते हैं। क्लियर? सपोज हम बोलते हैं कि सपोज मैंने बैक्टीरिया को हीट किया, क्लियर, तो वो क्या कर देगा, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देगा, चेंज कर देगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसडक्शन मेथड, क्लियर, ट्रांसडक्शन के अंदर क्या होता है, वो जीनेटिक रिलेशनशिप बना देता है किसी दूसरे वायरस के साथ, यानी कि वो वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरिया के ऊपर ऐसा वायरस होता है, उसके साथ रिलेशनशिप बना देता है। देखो, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज वायरस। और कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन तो पता ही आपको किसके थ्रू होता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन ट्यूब। समझ में आ गया? ओके, तो आपको इतना याद रखना है, डिटेल में नहीं जाना है बच्चे लोग, क्या ट्रांसडक्शन होता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या कॉन्जुगेशन होता है, आपको डिटेल नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ इतना याद रखो, ए सेक्सुअल मेथड से भी बैक्टीरिया बन सकते हैं, और सेक्सुअल मेथड, ए सेक्सुअल मेथड से के अंदर कौन कौन से हुआ, कौन कौन से हुआ, बाइनरी फिजन एंड एंडोस्पोर। बस इतना याद रखो, आपके लिए इजी है, बाइनरी फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन, एंडोस, वेरी गुड। और सेक्सुअल के अंदर कौन कौन से है बच्चे लोग, आप 12th के अंदर सीखने वाले हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी धीरे धीरे सिखाऊंगा, धीरे धीरे सिखाऊंगा, सब कुछ एक साथ नहीं सीखना है, तकलीफ हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि अभी आपको जीनेटिक सिखाना पड़ेगा, उससे पहले जीनेटिक 12th में आता है, और जीनेटिक सिखाने बैठूंगा तो 780 डेज चले जाएंगे हमारे। 11th जीनेटिक्स इतना लंबा है जिसका कोई एंड ही नहीं है,
क्लियर। तो आपको ये चैप्टर के अंदर लिमिट रखनी है, ऐसा नहीं सोचना है सर ने क्यों नहीं चला है। बच्चे लोग हर एक चैप्टर लिमिट के साथ होता है, क्लियर। नहीं नहीं देते, इसलिए मैंने बोला आप एनसीईआरटी करो जोरदार, एनसीईआरटी करे तो आपका 85-86 तो सही हो जाएगा बच्चे लोग। सिर्फ हम 3-4 क्वेश्चन के लिए मैं कुछ नया नया बताता हूँ, वो भी मैं कराऊंगा, क्लियर। ऐसा नहीं होता है कि मैंने नहीं कराऊंगा। 90 क्वेश्चन है, जैसे आप अटेंड करोगे आप बोलोगे हाँ सर आपने बोला था, ये आपकी पीडीएफ में है, इसलिए तो मैं आपको पीडीएफ देता हूँ एज ए प्रूफ ऑफ। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए सर ने नहीं चलाया, क्लियर। मैं सब कुछ कराऊंगा आपको, आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए याद रखने की। चलो उसके बाद मैंने बोला स्पेशल टाइप ऑफ आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, क्लियर। बच्चे लोग सबसे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है, फॉसिल का मीनिंग बताया था मैंने, इसलिए मैंने बेसिक कोर्स करवाया आपको, ब्रिज कोर्स चला है फॉसिल्स, क्लियर। वो एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर रह रहा है, हार्श कंडीशन के अंदर रह रहा है, हम नहीं रह सकते बच्चे लोग। जैसे मैंने आपको एकदम ठंडी -20 में डाल दिया, तो आप रह सकते हो? नहीं रह सकते, वहां के जो ह्यूमन होंगे वही रह सकेंगे। तो अगर आप वहां पर रह जाओगे तो मैं आपको बोलूंगा आप आर्की ह्यूमन हो, समझ में आ गया, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो फर्स्ट मैं बताऊंगा बच्चे लोग, मीथेनोजेंस बैक्टीरिया याद रखना, फर्स्ट वाला बैक्टीरिया का नाम क्या है? मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मीथेनोजेंस बैक्टीरिया। वो क्या करता है? जो काऊ होता है, क्लियर, जो बफेलो होता है, उसकी कहां पर रह रहा है? रूमिनेंट स्टमक के अंदर रह रहा है, रूमिनेंट स्टमक, रूमिनेंट स्टमक। इसीलिए मैंने बोला बच्चे लोग रूमिनेंट में वर्ड बोलूंगा तो आपको पता होना चाहिए, उसका स्टमक सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर सकेगा, क्लियर। वो प्लास्टिक खाएगा तो उसके अंदर डाइजेस्ट हो जाएगी, हम प्लास्टिक खाएंगे तो हमको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और सेल्यूलर डाइजेस्ट की वजह से उसके अंदर हो जाता है, क्लियर। इसीलिए तो गाय खाते नहीं, हाँ सारे हर्बीवोरस के अंदर रूमिनेंट स्टमक होता है, हमारा जैसा नॉर्मल स्टमक नहीं होता है, क्लियर। वो मार्स गैस प्रोड्यूस कर रहा है, वो मार्स गैस का नाम है बायोगैस, और बायोगैस के अंदर क्या होती है? मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, याद रखना है। देर आर 3 मेजर गैस एंड टू मेक अ बायोगैस, क्लियर। देर आर 3 मेजर गैस, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, तो क्वेश्चन क्या आएगा? कंपोजिशन ऑफ बायोगैस का आंसर आएगा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड। ये 3 गैस से ही बायोगैस बनता है, और काऊ डंग निकालेगी, काऊ डंग में से ही हम क्या बनाते हैं? बायोगैस बनाते हैं, उसको मैंने बोला गोबर गैस, और गोबर गैस का यूज हम करते हैं चूल्हा जलाने के लिए, पहले के विलेज लोग चलाते थे फर्नेस, हाँ नहीं नहीं वो अलग आता है, वो एलपीजी आता है, क्लियर, लिक्विड पेट्रोलिफाइड गैस। अब पाइपलाइन आ गई, सीएनजी आ गया, कंप्रेस नेचुरल गैस आ गया, समझ में आ गया। धीरे धीरे और धीरे धीरे चेंजेस होता रहेगा। तो पहले आर्किबैक्टीरिया का आपको पता चल गया क्या क्या? मीथेनोजेनिक और मीथेनोजेंस। सेकंड बैक्टीरिया होता है उसका नाम है हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स यानी कि सॉल्ट लवर्स, उसको सॉल्टी एरिया ज्यादा पसंद है, सॉल्ट लवर्स बोलते हैं। कहां पर होगा? वेरी गुड, इन सी एरिया, ओशियन, वेरी गुड, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो तीसरा, थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिल्स यानी कि थर्मो का मीनिंग होता है टेम्परेचर रीजन, एसिडो यानी कि एसिडिक रीजन। बच्चे लोग आपने गर्म पानी के वेल देखे होंगे, गर्म पानी के झरने देखे होंगे, है ना? तो वहां पर ही बैक्टीरिया रहते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी कि वो हाई टेम्परेचर में रहेगा बच्चे लोग, जहां पर नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी सेल वॉल क्या हो जाएगी? टूट जाएगी तो मर जाएगा, तो उसकी सेल वॉल जोरदार होगी। जो थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया होंगे वो हाईली टेम्परेचर एंड एसिडिक एनवायरमेंट में रहते होंगे, क्लियर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज कॉल्ड हॉट स्प्रिंग। हाँ मैंने बोला तो खर, मैंने बोली तो सही अभी, क्या कि भाई गर्म पानी के झरने, सावरकुंडला गए हो आप देखने बच्चे लोग, वहां पर पानी उबलता है, वहां पर पानी क्या होता है?
इतना गरम गरम होता है, उबलता है, हम ज्वालामुखी बोल सकते हैं, नीचे से ज्वालामुखी होता है, बट वो बाहर नहीं आता, उसकी वजह से वो पानी क्या होता है, बहुत सारा उबला हुआ होता है, वहां पर भी बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, थर्मो एसिलोफिल्स। बोलो, हम वहां पर जा ही नहीं सकते, अगर वहां पर आप गए तो आपकी चमड़ी क्या हो जाएगी, जल जाएगी, बूमा बूम करके आप बाहर आ जाओगे, क्लियर। चलो तो आपको पता चल गया, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया, फर्स्ट मैंने बताया, ध्यान से देखना आप, धीरे धीरे और एक्स्ट्रा लेके जाऊंगा, मीथेनोजेंस, तो इसीलिए आरएच विटकर को पता नहीं था, और काल उसने देख लिया कि उसकी सेल वॉल कुछ अलग होनी चाहिए, तो ही वहां पर एक्सट्रीम और हार्श कंडीशन में रह सकता है, अदरवाइज ऐसे बॉडी के अंदर थोड़ी रहेगा, ऐसे एनवायरमेंट के अंदर थोड़ी रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, इसीलिए हमने क्या कर दिया, सिक्स किंगडम बना दिया, और जो बैक्टीरिया नॉर्मल थे उसको अलग कर दिया, और स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया को अलग कर दिया, क्योंकि स्पेशल कंडीशन के अंदर क्या कर रहा है, रह रहा है, सर्वाइव कर रहा है। वेरी गुड, अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अभी और समझ में आएगा। मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, उसको ऑब्लिगेटरी एनरोब्स चाहिए, क्यों ऑब्लिगेटरी मैंने एनरोब्स बोला, क्योंकि वो क्या बनाता है, स्टमक थ्रू मिथेन्स बनाता है, और मिथेन्स के अंदर क्या होना चाहिए, 100% मिथेनो सॉरी बायोगैस बनाता है, और क्या होना चाहिए बायोगैस के अंदर, मीथेन, और कंपल्सरी, इसीलिए काऊ डंग के अंदर देखने को मिलता है, क्लियर ये बैक्टीरिया, क्यों, वहां पर CO2 होगा तो ही वह रह सकेगा, इसीलिए मैंने वहां पर ऑब्लिगेटरी बोला। ऑब्लिगेटरी का मीनिंग क्या होता है, नंदिनी जैन चेतन, क्या होता है, स्ट्रिक्टली CO2 मिलना ही चाहिए तो ही वो बना सकेगा, तो ही वो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बोल जाएंगे, वो मार्स गैस बना देंगे, मिथेन बना देंगे, बायोगैस बना देंगे। चलो सेकंड मैंने बोला हेलोफाइल्स बैक्टीरिया, क्लियर, बोलाओ हेलोफाइल्स सॉल्टी एरियाज के अंदर रहता है, ओशियन सी, यानी कि वो एरोबिक फॉर्म्स होता है, वो एरोबिक कंडीशन मिलेगी, क्योंकि पानी के अंदर क्या होगा, H2O ऑक्सीजन, और ये थर्मो एसिडोफिल्स, ये कैसे हो सकता है, फैकल्टेटिव एनेरोब्स, फैकल्टेटिव एनेरोब्स का मीनिंग क्या हो बताओ, फैकल्टेटिव, ओके चलो हम थोड़े थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं, बच्चे लोग आपकी बुक के अंदर एग्जांपल नहीं दिया है, याद रखना मिथेनोजेंस के एग्जांपल, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया के एग्जांपल आपको याद रखना है तो रह सकते हो, अदरवाइज एनसीईआरटी के हिसाब से जाओगे तो कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा यहाँ पे याद रखना है तो रखो, अदरवाइज नहीं रखोगे चलेगा, पर एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने ये तीन बता दिए, क्लियर, एनसीईआरटी के अंदर इतना दिया है, यहाँ पे लिख चुका हॉट स्प्रिंग्स, इससे ज्यादा नहीं किया है, क्लियर। मिथेनोजेंस के एग्जांपल में बताता हूं, मिथेनोकोकस बुक के अंदर एड कर लेना, दूसरा मैं बताऊंगा मिथेनोबैक्टेरियम, सेकंड में बताऊंगा हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स के एग्जांपल आपको देखना है, हेलोबैक्टेरियम, हेलोकोकस, गप्पे मारने हैं बच्चे लोग, यहां पे हेलो वर्ड ही लगाना है, कुछ नया है कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं पूछ सकते, गप्पे वाले थोड़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मोप्लाज्मा, थर्मोकोकस, थर्मोप्रोटियस, वेरी गुड, थर्मो, हाँ उसके अलावा मैं लिखूंगा थर्मोप्रोटियस, थर्मोप्लाज्मा, ये सब बैक्टीरिया ही है, नहीं विब्रियो तो बच्चा कॉलेरा करेगा, विब्रियो मोस्टली कॉलेरा करता है। चलो तो बच्चे लोग मैं आपको फटाफट बता देता हूं, आज हमने सीखा टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने किया था कि कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, क्राइटेरिया दिया था सेल वॉल, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिस्पॉन्स ऑफ स्टिम्यूली एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूअल, बट उसका ड्रॉबैक क्या था, वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नहीं डिफाइन कर सकता था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिफाइन नहीं कर सकता था, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक डिफाइन नहीं कर सकता था, इसीलिए उसके बाद अर्नेस्ट हकल आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन देने के लिए, और उसने प्रोटिस्टा को सेपरेट कर दिया, क्योंकि प्रोटिस्टा आता था यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर। उसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, कोपलैंड ने दिया था, उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया,
और उसने अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आरएच विटेकर ने क्या कर दिया, किंगडम फंगाई को प्लांट में से अलग कर दिया और बोला कि फंगाई फंगाई ऑल वेयर सेप्रोफाइटिक और मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटी एनिमल के हमने फीचर्स दिखे, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर। अमीबा, पैरामिसियम क्लोरेला एंड क्लेमिडोमोनास वर कंसीडर्ड एज ए प्रोटिस्टा, बट प्रोटिस्टा के अंदर कंसीडर किया गया, क्यों, ड्यू टू देयर यूनिसेलुलरिटी, बट हमने स्पायरोगायरा को नहीं किया, स्पायरोगायरा भी अल्गी थी बट वो फिलामेंटस अल्गी थी, वो लंबे थ्रेड जैसे अल्गी थी, वो यूनिसेलुलर नहीं थी, इसलिए हमने उसको प्लांट के अंदर रखा गया क्योंकि प्लांट भी मल्टी सेलुलर है, तो स्पायरोगायरा भी मल्टी सेलुलर होगी, तो उसने प्लांट के अंदर रख दिया। बाद में पता चला कि जितनी भी क्लोरेला है, क्लेमिडोमोनास है कि स्पायरोगायरा है, दे ऑल आर एल्गी इन नेचर, वो हम चैप्टर नंबर 3 में सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किंगडम मोनेरा था उसके अंदर से भी साइंटिस्ट को पता चला, कार्ल वुज को, कि बैक्टीरिया ऐसे नहीं है, दो टाइप के बैक्टीरिया दुनिया के अंदर है, वो स्पेशल कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं और नॉर्मल रीजन के अंदर रह सकते हैं, जैसे हमारा मणिनगर, इसम्बू, नारोल, वटवा, क्लियर, वहां पर भी रह सकते हैं, तो ये नॉर्मल बैक्टीरिया है, बट स्पेशल कंडीशन के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको मैंने क्या बोल दिया, आर्किबैक्टीरिया है ना, उसकी आर्किबैक्टीरिया की सेलवल कुछ डिफरेंट थी, आर्किबैक्टीरिया की सेलवल देखा गया तो उसके अंदर स्यूडोमोरिन नाम का तत्व था और उसके अंदर ब्रांच चेन लिपिड था और लिपिड की वजह से, हाईली लिपिड चेन की वजह से वहां पर सर्वाइव कर सकती थी, उसके अंदर लिपिड लेयर था बट वो नॉर्मल था यू बैक्टीरिया के अंदर, इसीलिए वो एक्सट्रीम कंडीशन का और हार्श कंडीशन के अंदर सर्वाइव नहीं कर रहा था, इसीलिए कार्ल वुज ने क्या कर दिया, उस एक एक्स्ट्रा डोमेन दिया, कार्ल वुज ने भी क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा डोमेन दे दिया, क्लियर, दिस इज कॉल्ड थ्री डोमेन और इज इक्वल टू सिक्स डोमेन। हमने किंगडम मोनेरा सीखा, किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक सीखी कि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, 70S टाइप ऑफ रिबोसोम होता है, देन दूसरा क्या होता है, मेसोसोम होता है, देन माइक पीली होती है, फिमरी होती है एंड दूसरा फ्लेजिला होता है, उसके हिसाब से हमने सेकंड क्लासिफिकेशन दिया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया रेस्पिरेशन के हिसाब से, एनएरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक के अंदर भी फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेटरी, एनएरोबिक के अंदर भी फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मीनिंग होता है स्ट्रिक्ट एंड फैकल्टेटिव का मीनिंग होता है टेम्पररी। उसके बाद हमने सेकंड क्लासिफिकेशन सीख लिया, कौन सा, कि भी अकॉर्डिंग टू द शेप, कोकस, बेसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरिलियम। अकॉर्डिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया हमने क्लासिफिकेशन किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से हमने दो टाइप दिए, कौन कौन से, अकॉर्डिंग टू द ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के अंदर भी दो टाइप दे दिए, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड केमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक के अंदर भी, फोटो ऑटोट्रॉपिक के अंदर भी फोटो लिथोट्रॉपिक एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक सिमिलर, पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, वो याद रखने की जरूरत यहाँ पे नहीं बनती है। सेकंड मैंने बताया कीमो ऑटोट्रॉपिक यानी कि केमिकल से बनाती हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो आप सीखोगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर, क्लियर। सेकंड मैंने बताया हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, एक सीखा सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक एंड पैरासाइटिक। उसके बाद हमने के बैक्टीरिया एक दूसरे में से दूसरे बैक्टीरिया बनाते कैसे, तो हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सीखा, तो फर्स्ट हमने सीखा एसेक्सुअल एंड सेकंड सीखा सेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर सीखा हमने बाइनरी फिजन एंड एंडोस्पोर और सेक्सुअल के अंदर हमने सीखा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, वेरी गुड। उसके बाद हमने सीखा आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया के अंदर भी आर्किबैक्टीरिया किसको बोला गया, जिसकी सेल वॉल, सिल्की सेल मेम्ब्रेन जोरदार है, मजबूत है, देन दी नॉर्मल बैक्टीरिया। इसके हिसाब से हमने तीन टाइप ऑफ दे दिए आर्किबैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, हेलोफिल्स बैक्टीरिया एंड थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया। वेरी गुड, नाउ लेट अस द टाइम टू रॉक एंड रोल विद एनसीईआरटी, है ना, वी कैन सी बोलो सर, जो ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया के एग्जांपल्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला सिर्फ याद रखो फोटो लिथोट्रॉपिक एंड फोटो नॉन लिथोट्रॉपिक। नो, ये भी याद नहीं रखो कि चलेगा, बट माइंड के अंदर होना चाहिए कि फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया दो टाइप के, नहीं, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से, आइदर वो सनलाइट से खाना बनाएगा, अदरवाइज वो इनऑर्गेनिक केमिकल से खाना बनाएगा, क्लियर, इसीलिए मैंने चला है, क्लियर। मैं बोलूंगा याद रखना है तो मैं आपको यहाँ पे याद करा दूंगा, क्लियर, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। चलो देखो, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक ही लाइन लिखी है, यहाँ पे लिखा है देयर सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, देयर मे बी अ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक एंड
कीमो ऑटोट्रॉपिक सिंटोट्रॉपिक, इसीलिए मैंने चला है, यस और नो, ये लाइन को समझाने के लिए। वेरी गुड, देखो अब हमने सीखा आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया के अंदर आप देखो देयर आर बैक्टीरिया स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दे आर द दे लिव इन सम मोस्ट हार्श हैबिटेट और ओल्ड फॉसिल्स बैक्टीरिया, बच्चे लोग देख लेना क्लियर, सॉल्टी एरियाज के अंदर रहता होगा हेलोफाइस बोलेंगे, हॉट स्प्रिंग यानी कि गर्म पानी के झरने के अंदर रहता होगा उसको हमने थर्मो एसिडोफिल्स बोला, और मार्सी एरियाज के अंदर यानी कि गंदा गंदा एरिया के अंदर रहता होगा उसको हमने मीथेनोजेंस, यहाँ पे मीथेन का कॉम्पोजिशन लिखना जरूरी बनता है क्लियर, गोबर गैस क्या होता है, मीथेनोजेंस क्या होता है वो आपको लिखना है, गोबर गैस इज इक्वल टू बायोगैस, और बायोगैस के अंदर कौन कौन से गैस होते हैं आपको लिखना है, मीथेन होता है, CO2 होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, वो आप यहाँ पे नीट के लिए ऐड कर लेना, ये आपको याद रखना है मैं बोलूंगा। आर्किबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, क्योंकि डिफरेंट सेल वॉल होगी तो ही, नॉर्मल सेल वॉल होगी तो वहां पर रहने का मीनिंग ही नहीं है क्लिकर, इतना सारा एसिड है, इतना सारा टेम्परेचर, मर जाएगा बैक्टीरिया, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू सर्वाइवल ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन, सेल वॉल का स्ट्रक्चर के हिसाब से वहां पर सर्वाइव कर रहा है। मीथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल डोमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोस, क्लियर, कैटल्स पीक बोल सकते हैं, कैटल्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ऑल कैटल्स, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन्स और बायोगैस, बायोगैस का कंपोजिशन लिख देना, मीथेन होता है, CO2 होता है एंड हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, और ये कहां पर होता है, काउडंग्स ऑफ दिस एनिमल, और ये बच्चे लोग एनसीईआरटी के अंदर से आप स्ट्रक्चर याद कर लेना, राउंड स्ट्रक्चर है तो उसको मैं बोलूंगा कोकस, क्लियर, इसको मैं बेसिला, बेसिली के अंदर देखो बच्चे लोग स्पोर देखने को मिला, ऐसे स्पोर बना देता है, यस और नो, अंदर की साइड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एंडोस्पोर, और एंडोस्पोर इज अ विच टाइप ऑफ टेक्निक, सेक्सुअल की सेक्सुअल, एसेक्सुअल, स्पाइरिलियम के अंदर देखो ये क्या दिया है, स्पाइरिलियम के अंदर फ्लेजिला, फ्लेजिला के हिसाब से वो लोकोमोशन करेगा कि मूवमेंट करेगा, व्हाट डू यू मीन बाय लोकोमोशन, व्हाट डू यू मीन बाय लोकोमोशन, और ये विब्रियो, फ्लेजिला इज अ मोटाइल स्ट्रक्चर, वेरी गुड, और बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के अंदर मेन क्या है, बैक्टीरिया ही है, दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आर अकर्स इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इवन आप एक हैंडफुल ऑफ सॉइल ले लोगे, हाथ के अंदर एक मुट्ठी मिट्टी ले लोगे तो उसके अंदर भी लाखों करोड़ों बैक्टीरिया मिलेंगे, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स लाइक हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, सब जगह देखने को मिलते हैं, एंड वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, मैनी ऑफ देम लिव इन द अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, उसमें से भी आधे कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं, बैक्टीरिया ग्रुप अंडर द फोर कैटेगरी ऑन द एनिमल शेप, स्पेरिकल शेप, कोकी बैक्टीरिया, रोड शेप, बेसिलस बैक्टीरिया, कोमा शेप, विब्रियो बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप, स्पाइरिलियम बैक्टीरिया, क्लियर, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, और दो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, क्लियर, कंपाउंड दे मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबोलिक डाइवर्सिटी, हर एक अलग 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 कोई बैक्टीरिया डीके ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर होता है, कोई बैक्टीरिया होस्ट सेल के ऊपर जीता रहता है, कोई बैक्टीरिया दूसरे के साथ जीता रहता है, कोई बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक मेटल में से बनाता है, कोई बैक्टीरिया लाइट में से खाना बनाता है, कोई बैक्टीरिया केमिकल में से खाना बनाता है, क्लियर, तो अलग अलग बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हो सकती है, डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द मेटाबॉलिज्म, बोलो ये आपका क्लियर हो गया अच्छी तरीके से, ये पैराग्राफ भी मैंने चला गया, ये पैराग्राफ घर पे आपको रीड करने की जरूरत है, नेक्स्ट टाइम हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बच्चे लोग, यहां से ये भी मैंने चला दिया, ध्यान रखना ये मैंने सब कुछ चला दिया, क्लेमिडोमोना स्पाइरोगायरा प्लेस टुगेदर इन, बाद में किसके अंदर डाला गया, आल्गी के अंदर डाला गया, सिंपल आते हैं इन सब का, क्या क्वेश्चन एकदम सिंपल आएंगे, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आएंगे, क्लियर, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फिगर और अकॉर्डिंग टू द नेम, क्लियर बच्चे लोग, कल हम मिलेंगे, कल हम मैंने बोला मंडे टू फ्राइडे हर रोज लेक्चर होगा।